इसी के चलते उनको तजर्बा है घबराने का, क्योंकि अनेक जिलों में अनेक प्रदेशों में हमारी सरकारें आई तो उनको घबराने का तजर्बा है। हमारी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, थोड़ी हार जीत होती रहती है, इससे मैं समझता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी तो 2 सीटें थी ना, अगर हम इससे घबरा जाते तो 2 से 303 तक कैसे पहुँचते, और स्टेट जीते। और इससे पहले 3 स्टेट जीते। तो ये जो हार जीत का खेल चलता है इसका एनालिसिस भी करेंगे हम, और उसमें जहाँ कोई कमी रही तो उसको हम इम्प्रूव करेंगे। ये तो एक हिस्सा है, इलेक्शन का हिस्सा है। अब ये तो उनका धर्म है, उनका कर्म भी है, और उनके पास वो कर भी क्या सकते, और क्या कहेंगे। अरे अब हमने तो देखो ना, हमने भगवान वाल्मीकि को याद किया, हमने रविदास जी को याद किया, हमने संत कबीर जी को याद किया, हमने धन्ना भक्त को याद किया। अब उनको तकलीफ होने लगी कि इनको धन्ना भक्त कैसे मिल गया। अरे तो भाई आपको किसने रोका था, आप याद कर लेते। हमने तो सुभाष चंद्र को याद किया, हमने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, हमने सबको याद किया। क्यों ना याद करें हम अपने पूर्वजों को, गलत बात है कहिए। हमने तो 600 साल पुराना जो ये जिल्लत जो हम सह रहे थे, बाबर आया और हमारे राम मंदिर को तोड़ा, हमने पूरे विश्व में हिंदुस्तान को सशक्त का हमने प्रमाण किया कि हमने राम मंदिर बनाया, हमने धारा 370 तोड़ी। ये चीजें क्यों नहीं तोड़ी उस वक्त के हुक्मरान, देश आजाद होने के बाद भी क्यों नहीं सोचा उन्होंने, बताइए आप मेरे। प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग यमुनानगर में हुई थी और उसी में ये तय किया कि 19 तारीख को पूरे प्रदेश में 22 के 22 जिलों में जिला कार्य समिति की मीटिंगें होंगी। जो जो मैसेज प्रदेश कार्य समिति में राष्ट्रीय कार्य समिति से आया वो संदेश हमने जिला समितियों को दिया, और एक ही दिन पूरे के पूरे 22 जिलों में 22 जिलों की जिला कार्य समिति की बैठक होना और उस संदेश को देना। और यही नहीं, इससे आगे भी हमारे जो प्रदेश के 306 मंडल हैं उन 306 के 306 मंडलों की कार्य समिति की मीटिंग परसों 21 तारीख को तय है। सभी मंडलों में एक ही दिन मीटिंग होगी। हमारे यहाँ कांग्रेस की तरह नहीं है कि पिछले 4-5 साल से तो जिला अध्यक्ष ही नहीं तय कर पाए। हमारी बहन कुमारी शैलजा प्रदेश अध्यक्ष रही, ना तो वो प्रदेश कार्यकारिणी और ना वो जिला अध्यक्ष तय कर पाई। तो इस मीटिंग में मैं आया था, अभी ये मीटिंग लेकर आया हूँ। और यहाँ कुछ ही दिन पहले हमारे प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री, उनका एक कार्यक्रम है जनसंवाद, वो 4-5 जिलों में तो जा भी चुके, अभी वो नियर फ्यूचर में 2-3 दिन के बाद ही महेंद्रगढ़ भी जाने वाले हैं। तो वो आकर लोगों से गांव में सीधा संवाद करते हैं, सीधी बात करते हैं, और सीधी जो उनकी शिकायतें हैं उनको सुनते हैं। और एक बहुत बड़ी बात, सिरसा ज़िले के इतिहास में मैं समझता हूँ कि ये एक शुरुआत है, मंडी डब वाली उसको पुलिस जिला जो घोषणा करके गए, मैं डबवाली के लोगों को बधाई भी देता हूँ। और इससे जो नशा मुक्ति और जो क्राइम है वो भी कंट्रोल होगा। और जब किसी भी चीज़ की बढ़ती है बात, मान लो पहले 9 जिले थे, 9 जिलों के बाद फिर जिले बढ़े, अब 22 हो गए, और इस तरह से जब जिले बढ़ते हैं, हांसी भी पुलिस जिला है, उससे पहले पलवल भी किसी समय पुलिस जिला होता था। तो ये जो एक कंसेप्ट है शुरुआत में किसी भी ज़िले को बनाने के लिए, पहले थोड़ा उसका प्री रिक्विजिट्स अच्छा हो, और उसमें अनेक लगभग 326 करोड़ रुपए की तीनों विधानसभाओं में, रानिया में भी और काला वाली में भी और डब वाली में भी, ऐसे 326 करोड़ रुपयों की जो शिलान्यास या उद्घाटन वो करके गए, मैं समझता हूँ ये भी एक बहुत बड़ी बात है।